हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अच्छे कर रहे होंगे और मेरे वीडियोज को देख के इन्जॉय भी कर रहे होंगे और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली मैंने सोचा कि अब फ्लूइड में बस बर्नौली और कैपिलरी ट्यूब और सरफेस टेंशन बचा हुआ है, तो साइमल्टेनियसली कुछ नया टॉपिक भी स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस सेशन में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का। एक्चुअली इसके बाद हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे बात करेंगे, तो उससे पहले कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। एक्चुअली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को अगर हम समझें तो ये कहीं ना कहीं मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स ऐसा साइंस जिसमें आप कोई भी बॉडी को पढ़ते हैं, या तो रेस्ट में हो या मोशन में, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब यहां पे क्या होता है कि अगर हम देखें तो मैकेनिक्स का तीन पार्ट है। अगर आप अपने कोर्स करिकुलम को देखें, एक पार्ट जिसको आप बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। दूसरा पार्ट है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। और तीसरा पार्ट अगर हम देखें तो वो होता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। यानी ये तीन पार्ट आपको पढ़ना होता है। फ्लूइड पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑलरेडी, वो भी कहीं ना कहीं मैकेनिक्स है। आप उसमें भी फ्लूइड को या तो रेस्ट में पढ़ते हैं या मोशन में पढ़ते हैं, स्टैटिक्स फ्लूइड और डायनामिक्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। और मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी क्या है? अगर हम मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को समझे तो इसके भी तीन पार्ट होते हैं। एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है काइनेमैटिक्स और एक होता है डायनामिक्स। स्टैटिक्स मतलब बॉडी एट रेस्ट होता है। काइनेमैटिक्स में हम लोग बॉडी इन मोशन पढ़ते हैं लेकिन विदाउट कॉजिंग ऑफ मोशन, यानी मोशन का कारण क्या है वो नहीं पढ़ते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि विदाउट कंसिडरिंग ऑफ फोर्स, यानी कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो मोशन में है, तो वो फोर्स हमारा पार्ट नहीं होगा, किनेमेटिक्स का पार्ट जो है। और डायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मोशन विथ कॉजिंग ऑफ फोर्स, कॉजिंग ऑफ मोशन। तो ये तीन पार्ट रिजिड बॉडी का होता है। रिजिड बॉडी क्या है हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जरूर देखेंगे, उसका मतलब को भी समझना जरूरी है। और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब है कि जो बॉडी डिफॉर्म हो सके। तो ये जो पार्ट है यही आज का हमारा टॉपिक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यानी इस पार्ट में हम लोग बॉडी को देखेंगे और वो कैसा बॉडी होगा, डिफॉर्मेबल बॉडी। अब यहां पे समझते हैं रिजिड बॉडी के मीनिंग को कि रिजिड बॉडी क्या होता है। एक्चुअली मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास ये कोई बॉडी है अब इस बॉडी पे दो पॉइंट हम कोई कंसीडर कर रहे हैं, ए एंड बी, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस।
मान लीजिए हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। अब इन दोनों का पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कि डी है, तो या तो आप इसको पुल कीजिए या पुश कीजिए, ये दो पॉइंट का डिस्टेंस चेंज अगर नहीं होता है तो आप बोलते हैं उसको रिजिड बॉडी। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में हम लोग यही पढ़ते हैं, याद कीजिए अगर आप पढ़े हो, हम लोग ऐसे डिस्कशन तो करेंगे ही अपने सेशन में, जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं चाहे आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, वहां पे कहीं पे भी बॉडी को डिफॉर्मेबल बॉडी नहीं दिखाया गया है, उसके बॉडी का शेप बिगड़ता हुआ नहीं दिखाया गया कि फोर्स लगा और उसका शेप बिगड़ गया, वहां पे आप रिजिड बॉडी मान के चलते हैं, यानी उस बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। लेकिन रिजिड बॉडी का रियल मायने यही है कि दो पॉइंट अगर आप उस रिजिड बॉडी पे कंसीडर करते हैं, और वो पॉइंट क्योंकि मान लीजिए अगर कार है और कार अभी अगर मान लीजिए कि अगर कुछ ठुक गया कहीं भी, तो उसके कहीं दो पॉइंट अगर उस पॉइंट पे लिया जाए तो उसका शेप बिगड़ जाएगा, कहीं ना कहीं डिस्टेंस उसका चेंज होगा, तो वैसे बॉडी को आप रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते थे उस सिचुएशन में, क्योंकि वहां पे फोर्स कुछ ज्यादा इंपैक्ट से लगा जिसके कारण उसका शेप एंड साइज बिगड़ गया। तो रिजिड बॉडी में भी कहा जाता है कि रिजिड बॉडी का शेप एंड साइज जो रहता है वो डेफिनेट रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन वो डिफॉर्म हो सकता है अगर लार्ज एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है और हम इसको कॉपी भी कर ले, अब यहां पे आप बोल सकते थे कि सर इस बॉडी का दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए कि डी हो जाए और मान लीजिए कि आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पे, अब इस बॉडी का ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्सेस, अब ये पॉइंट जो है मान लीजिए कि अब ये ए बी जो है पॉइंट, इन दोनों के बीच का गैप हो गया डी वन, यानी अंडर द एक्शन ऑफ लार्ज एक्सटर्नल फोर्स डी वन चेंज हो गया, लेकिन यहां पे डी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, रिजिड बॉडी में ऐसा माना जाता है। लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब हो गया कि अब अगर सफिशियंटली लार्ज फोर्स अगर अप्लाई करते हैं किसी रिजिड बॉडी पे तो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहां पे कुछ टर्म्स को भी समझते हैं, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स कहता है कि द फोर्स व्हिच प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन, यानी जैसे कि अभी इस फिगर में हम लोग देखे कि यहां पे बहुत सारा एफ लगा रहे थे और जिसके कारण यहां पे इस बॉडी में डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा था, यानी शेप एंड साइज जो था बॉडी का वो चेंज हो रहा था, तो उस सिचुएशन में ये एफ जो है ये जाना जाएगा हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स के नाम से। सो द फोर्स व्हिच प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। और डिफॉर्मेशन क्या है कि द चेंज इन शेप साइज और बोथ इन बॉडी अराइजिंग ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, यानी अब यहाँ पे अगर बहुत सारा फोर्स अगर आप एक्सटर्नल लार्ज सफिशियंट फोर्स लगाते हैं और उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है तो आप बोलते हैं कि डिफॉर्मेशन हो गया ड्यू टू एक्सटर्नल लार्ज सफिशियंट फोर्स। सो ये दो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि कुछ बुक में जब आप या कहीं भी आप क्लास करते हैं तो इस चैप्टर को वहाँ पे इलास्टिसिटी के नाम से भी लोग पढ़ाते हैं, तो इलास्टिसिटी मैकेनिक, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज मतलब उसका कैरेक्टर, उसमें से एक कैरेक्टर है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो उसका शेप जो है वो डिफॉर्म हो गया ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, लेकिन जैसे आप फोर्स उसको छोड़ते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप को अगर रिगेन कर लेता है तो आप उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, क्योंकि जो मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी है
तो इसलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ विच बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स। यानी जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई बॉडी है, जस्ट एग्जाम्पल, और इस बॉडी पे मान लीजिए हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, और मान लीजिए कि इसका इनिशियल लेंथ एल था, जस्ट एग्जाम्पल, और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण मान लीजिए कि इस बॉडी का लेंथ कुछ चेंज हो गया, अब इस सिचुएशन में मान लीजिए कि लेंथ जो है ड्यू टू अप्लाइड फोर्स ये लेंथ अब हो गया अपना एल प्लस डेल्टा एल, लेकिन आफ्टर रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स अब क्या हुआ कि ये फिर अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले आफ्टर रिमूविंग ये अपने, यानी यहां पे बोल सकते हैं कि आफ्टर रिमूविंग फोर्स रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। यहां पे भी इलास्टिसिटी में भी हमारे पास एक होता है पार्शियल इलास्टिक, यानी पार्शियल नाम से ही समझ में आ रहा है कि जैसे आप फोर्स लगाएं वो पूरे तरह से अपने ओरिजिनल शेप में रिटर्न नहीं होता है, अपने पूरे शेप में ओरिजिनल शेप में पूरा हल्का फुल्का मतलब थोड़ा सा बच जाएगा, तो उस सिचुएशन में आप उसको बोलते हैं पार्शियल इलास्टिसिटी। यानी यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी का एक पार्ट है हमारा परफेक्टली इलास्टिसिटी और दूसरा पार्शियल इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी भी है, हम लोग बात करते हैं, यानी यहां परफेक्टली इलास्टिसिटी का मतलब कि हूबहू अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, और पार्शियल का मतलब है कि पूरा हूबहू नहीं आए। दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो है प्लास्टिसिटी, नाम से ही झलक रहा है प्लास्टिसिटी, यानी इसमें क्या है कि ये भी हमारा प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का बाय वर्चू ऑफ विच कि बॉडी जो है आप अगर फोर्स लगाते हैं उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया डिफॉर्मेशन आ गया, लेकिन आफ्टर रिमूविंग द फोर्स अगर आप फोर्स हटा भी दें तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता है। जैसे कि मड, या जैसे कभी आप घर में देखे होंगे कि आटा का जो बॉल होता है जब आप रोटी बनाते हैं तो एक बार अगर आप उसको पंच करते हैं तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, यानी ड्यू टू अप्लाइड फोर्स उसका शेप जो है वो परमानेंटली बिगड़ गया, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। और उस तरीके के सब्सटेंस को आप प्लास्टिक बोल सकते हैं। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, ये फोटो कटसी जो है वो लिया गया है प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स रेसनिक हेलिडे एंड वॉकर, बहुत फेमस बुक है, आप जानते भी हैं, वाइले पब्लिकेशंस का बुक, वहीं से ये इमेज लिया गया है। ये कॉन्सेप्ट आखिर का जो है ये बोला जाता है स्प्रिंग बॉल मॉडल फॉर इलुस्ट्रेशन
ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे बिहेवियर में आप ओ यू आर भी लिख सकते हैं, ओ आर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कहता क्या है कि जैसे अगर हम कोई भी सॉलिड को देखें तो बहुत सारे पार्टिकल्स से बने होते हैं। मान लीजिए हम एटम और मॉलिक्यूल पे बात करें तो वो एटम और मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय नेबरिंग एटम और मॉलिक्यूल होता है। और जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ये कोई एटम है और ये कोई एटम है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक जो है फोर्स एक्ट करता है ताकि वो बॉन्ड बना के रखे। तो ये जनरल आपको देखने को मिलता है कि कोई भी सॉलिड में एटम जो होता है वो नेबरिंग एटम से सराउंडेड होता है और वो नेबरिंग एटम से सराउंडेड जो होता है और उससे कनेक्ट होता है इंटर एटॉमिक। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्प्रिंग बॉल में बॉल जो है ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो स्प्रिंग है ये इंटर एटॉमिक जो है, या आप इसको बोल सकते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि आपको बॉन्ड करता है, इनको एक साथ रखता है। अब मान लीजिए कि अगर हम किसी एटम को खींचे, जस्ट लाइक स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का नेचर इलास्टिक नेचर होता है। तो अब इसमें क्या होगा कि आपका सॉलिड का जो शेप है, इस स्प्रिंग बॉल इलस्ट्रेशन एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि अगर किसी बॉल को इसमें आप अगर खींचते हैं तो इसका स्प्रिंग का शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो थोड़ी देर के लिए जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के साथ जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं फिर से ये जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है जो स्प्रिंग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसको फिर से अपने ओरिजिनल शेप में वापस ला जा लेके आ जाएगा। तो इसी को बोला गया है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड का एक बिहेवियर है जिस तरीका से वो इलास्टिक के नेचर की तरह बिहेव करता है। और इलास्टिक क्या है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, अभी हम लोग देखे कि अगर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही फोर्स छोड़ते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है। तो इस एग्जाम्पल में यही कहा गया है। और ये स्प्रिंग सिस्टम जो है, हम यहाँ पे जो है वो ट्राई टू रिस्टोर जो है ये बॉल को अपने ओरिजिनल शेप में रिस्टोर करने का कोशिश करता है। और ये टर्म को जो है यहां पे सबसे पहले रॉबर्ट हुक, आगे हम लोग इनको देखेंगे भी, जो है ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे और ये एक स्प्रिंग पे परफॉर्म की, इलोंगेशन की। तो इन्होंने पाया कि इन 1676 जो है ये देखे क्या कि द इलोंगेशन, या आप बोल सकते हैं इलोंगेशन का मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन द लेंथ प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स और लोड। और इस लॉ को उस समय कहा गया लॉज ऑफ इलास्टिसिटी, लॉज ऑफ इलास्टिसिटी। नाउअडेज अभी हम लोग इसको बोलते हैं हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। आगे हम लोग देखेंगे तो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स भी आप समझ गए स्प्रिंग बॉल इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन, जो इस पार्ट, इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि अभी हम लोग जितना कॉन्सेप्ट में डिस्कशन किए मीनिंग को समझे आप समझ गए होंगे।